Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. ऐसी किसी नू एक टैक्सपेयर दी मनी दे उत्ते ये किवें कह सकदे आ कि भी तैनू असीं मुफ्त दुध दे देंगे या तैनू मुफ्त घ्यो दे देंगे या तैनू मुफ्त मोबाइल फोन दे देंगे असीं ये क्यों नहीं कहंदे कि भी तेरी डिवेलपमेंट दा साडा ये रहेगा कि तू इन्ने पैसे कमा के अपना फोन ले आ सकेगा, तू अपनी बिजली दे पैसे पे कर सकेगा, तेरे ते कर्जा नहीं होएगा, तेरी इनकम इन्नी वधा देंगे कि असी उस तरीके दे नाल अपना डिवेलपमेंट मॉडल पेश करिए कि साडे बंदियां नूं इस गल दी लोड़ ही ना रवे कि भी वो सरकार तो मंग के अपना खर्चा तुसी मैनूं इक गल दसो आपा मैं तुसी या कोई होर लोग जिहड़े संपन्न लोग ने सानू कोई सड़क ते खड़ा होया 100 रुपया दे जे असी लवांगे असी पसंद नहीं करते कि सानू कोई भीख दवे बिल्कुल ते ये की समझदे ने कि साडी जनता इन्नी लाचार है कि भी इहनू असी कहांगे तैनू भीख देंगे ये मैनूं लगदा थोड़ा जनता नूं भी अपने विरोध दे नाल मंगना ही ये चाहिए कि साडी कपैसिटी वधाओ या तुसी जो बिजली हैगी जो बिजली 1 रुपये यूनिट तुहानू कॉस्ट कर दी तुसी 9 रुपये वेच के मिल सकते हो तुसी लियाओ 1 रुपया असीं देंगे तुहाडा रुपया और रुपया कमाण दी ताकत सानू दिओ दर्शको हुण असीं तुहाडी मुलाकात श्री अश्विनी गुप्ता जी नाल करवा रहे हैं जो कि पंजाब दे लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ते जलंधर बेस ने इस तों इलावा ये स्टेट बैंक ऑफ पटियाला विच बोर्ड ऑफ डायरैक्टर विच वन ऑफ द डायरैक्टर रह चुके हैगे रीसेंटली इहो मैंबर बने हैगे MSME PPP कमेटी दे इस तों इलावा इहो पोलिटिकल नब्ज जिहड़ी हैगी पंजाब दी ते इंडिया दी जाणदे हैगे आ अज असीं पंजाब दे लोकी वख वख पोलिटिकल पार्टियां तों जां किस तरह दी सरकार मंग करदे हैगे जां की उहनां दी आशावां हैगियां इदां दे असीं विषय ते गल्लबात करांगे गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत हैगा धन्यवाद भारत साहब थैंक यू ए हुण तुहानूं पता 4-5 महीने रह गए हैगे हर एक पार्टियां गियर अप कर रही हैगियां वख वख एजेंडे फिक्स हो रहे हैगे आ जनरल की असैसमेंट हैगी है थानू जिहड़ी प्रेजेंट पोलिटिकल सिचुएशन लोकी की चाहुंदे हैगे भारत साहब देखो असीं जदों तो होश संभालिया असीं हर वारी यही सुनिया कि जिहड़ा इलैक्शन है ये लोकतंत्र का उत्सव है असीं बड़े खुशकिस्मत हाँ कि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र है जी जी। और अगों फिर साडियां सारियां स्टेटां असीं उस लोकतंत्रिक सिस्टम च जिथे कि लोकतंत्र का मतलब यही है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल मेरे हिसाब नाल इस फिलोसफी तो बाद जिहड़ी गवर्नमेंट की टाइप है और जिहड़ी जनता की पावर है इहदे विच होर कुछ कहन नूं रह नहीं जांदा पर अनफॉर्चुनेटली असीं जिवें तुसीं अज फिर ये सवाल लैके बैठे हो कि जनता की एक्सपैक्टेशन की है जे कि साडा डेमोक्रेटिक सिस्टम उन्ना स्वस्थ होवे जे डेमोक्रेटिक सिस्टम दे विच जो ये फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल गवर्नमेंट वाकई काम करती होवे तो शायद इस सवाल ते आपां अज चर्चा ना कर रहे हुई कुछ चीज़ा साडा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिहदे च साडी बत्ती है साडे संसाधन ने ट्रांसपोर्टेशन दे साडियां सड़कां ने साडा सीवरेज सिस्टम है साडा पानी है इन्हां चीज़ां दे विच सरकार ने ही काम करना हुंदा है लोगों ने खुद काम नहीं करना हुंदा मैं कहना तुसी 100 बंदे दी इंटरव्यू लैके देखो और 100 नूं इह पुछो कि भी तू सरकार तो चाहुंदा की है तो जवाब तुहानूं मिलेगा मेरे महल्ले दी सड़क चंगी हो जाए मेरे जिहड़ा पानी की सप्लाई चंगी हो जाए मेरे घर बत्ती चंगी आ जाए फिर जे कोई सियाणा बंदा होएगा तो वह एक कहेगा कि मेरे बच्चे जिहड़े आ चंगे स्कूल पढ़ लैन तो फिर जे उस तो बाद भी किसी की कोई उम्मीद जागेगी तो वह ये होएगा कि भी साफ सुथरा माहौल होवे सड़कां चंगीयां होन ते पार्क पूर्क वधिया बने होन असी सैर सूर कर लईए फिर असी कोई होर उपरले लैवल ते पहुंचांगे तो असी ये कहांगे कि कुछ चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने प्रशासन संबंधी यानी कि लॉ एंड ऑर्डर दियाँ इन्हां दे विच सानू थोड़ी जी सुरक्षा मिल जावे फिर असी किते मेडिकल वाले पासे चलांगे मतलब जनता दियाँ प्रायोरिटियां बड़ियां सैटल ने पहला रोटी कपड़ा मकान ही है चलो आपां इंडिविजुअल थोड़ा जिहा हुण पार्टियां दा सिस्टम विद कंटेक्स्ट टू पीपल कर लैंदे हैगे हांजी देखो जिहड़ी मौके दी सरकार कैप्टन अमरिंदर दी सरकार आ नवजोत सिंह सिद्धू भी जिहड़े कमेटी दे पंजाब दे प्रधान बने हैगे उन्होंने प्रगट सिंह नूं भी जिम्मेवारी दित्ती हैगी आ
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਟਡ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ, 1952 ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ 1952 'ਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ 2021 'ਚ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਫਲਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾਵੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾਵੇ, ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਤੋ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਿਊਜਲੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੰਪਲੇਸੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ 5 ਸਾਲ 5 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਪਟਿਆ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਪਰਸਨਲ ਨਾਮ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PAP ਚੌਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸੀ ਬੱਤੀ ਬੰਦ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 300 ਕਰੋੜ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਤਾ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲੋਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ MLAs ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੋਗ ਅਤੇ ਚਾਹ ਅਤੇ ਵਿਆਹ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਐਮ ਐਲ ਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਓਨਟੇਰੀਓ, ਓਟਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀ ਏ ਪੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਚੜ੍ਹਾਤਾ, ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀਗਾ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਅਨਫਾਰਚੁਨੇਟਲੀ ਪਰਸਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਬੇਟ ਟੋਟਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ, ਪਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੰਥਨ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੋਇਲ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਸ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਝ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦ ਇਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਬਈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਚੱਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਹੈ।
लेकिन जदों तुहाडा अपना बंदा वह मुद्दा चक रहा तो उस फिर पोलीटिकल मोटिवेशन की तो गल खत्म हो गई, ए मतलब वो मुद्दा रियल है। अगला आप थोड़ा जहा हूँ जिमें अकाली दल बादल ने बी एस पी ने किया समझौता, ये थानू लगता कुछ परपज हल कर सकता ज नहीं कर सकता ज कि परसेंट कर सकता? पारा साहब मेरा ना ज्यादा है फील्ड इकनोमिक्स का और मेरा है फाइनेंस का फील्ड, विचरदा या जो मेरी परसैप्शन रही है या जिस चीज मेरी एक नेचर हैगी है कि हालात नू एनालिसिस करता रहना, तो ऐसी योजे गठबंधन जड़े है वह यूपी च देखे सके जिथे बड़े सीधे तरीके ने लोगों ने गिन लिया कि जी आ ए पार्टी इन्ने परसेंट वोट मिलती सी, बी नू इन्ने परसेंट मिलती सी, दोनों नू मिला के मिल गई इन्नी तो सरकार बन गई, तो जबकि नैट वोट जड़ी हैगी है वह पुराने तो भी घट गई, एक एक बंदे तो भी घट गई। एक्सपेरिमेंट बहुत मतलब जो है वाइटल मेरे ख्याल नहीं सिद्ध हो होने की संभावना वक्त ही दसेगा, लेकिन जो पुराना तजर्बा तो नहीं लगता कि भी असी इस एक्सपेरिमेंट तो कोई ज्यादा चेंज आती देखांगे। हाँ जिहड़ी भी पार्टी मुद्दियां ते लड़ेगी जिहड़ी पार्टी जनता की गल करेगी वह अपने लैवल दे उत्ते इहदी स्ट्रेंथ नू ऐड जरूर कर सकती है, लेकिन जे आपां कहीए कि मुद्दियां ते ना गल करिए और सिर्फ इसे कंबीनेशन नू स्ट्रेंथ बनाइए तो मैनू लगता कि पास्ट भी सानू दसदा कि इहदा कोई बहुता फायदा नहीं होगा। अच्छा हुण बीजेपी जिहड़ी पंजाब दी बीजेपी गवर्नमेंट इह भी इन्होंने अनाउंस किया है पूरी 117 सीटा ते लड़न दी, इन्होंने कुछ सिख फेसिस भी लाए है कुछ दलित लीडर भी जोड़े है आ रहे है कुछ होर भी संभावना हैगी भी। अज मैं हुणे ही 2 घंटे पहला पढ़ रहा सी जिहड़ी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट शायद उन्होंने 5 पॉइंट की ऑफर दे रही हैगी किसानों नूं, मैनूं लगता शायद ये मसला भी सॉल्व हो जाए, ये सारे सिचुएशन किवें देखदे हो तुसीं? देखो बीजेपी एक बहुत वड्डी राष्ट्र पार्टी है, हाँ जी सारी दुनिया च सब तो वड्डी पार्टी है, हाँ जी उन्हां दी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ बहुत है हाँ जी, और जड़ा काम दूजियां पार्टियां 2 साल तक तैयारी नहीं करदियां ये 2 साल पहला तैयारी करते ने, बिल्कुल ठीक आपां देखिया, और इलेक्शन दे विच उन्हां दी जड़ी शमूलियत है और जड़ी इंटेंसिटी है वो और सिंसैरिटी है मेरा नहीं ख्याल कि किसी होर पॉलिटिकल पार्टी से नहीं ज्यादा है, और यदि सब तो वड्डी एग्जाम्पल असी देखी हैदराबाद के लोकल इलेक्शन च, हैदराबाद के लोकल इलेक्शन दे विच भी नैशनल पार्टी लीडर ने नैशनल प्रेजिडेंट ने इनवॉल्व होके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की पार्टी लई, पंजाब दे विच भी मैनू बहुत ही हैरानगी नहीं होएगी कि जे बीजेपी अपने संगठन नू मजबूत करके और इन्हां चीज़ां दे नाल एक सरप्राइज दवे, क्योंकि देखो पंजाब दे विच एक बहुत वड्डा एडवांटेज है बीजेपी नू कि जिन्हां दी तुसीं गल कीती चाहे दलित भाईचारा है चाहे सिख भाईचारा है ये तो बीजेपी के हिस्से ने, ये तो इंटेग्रल पार्ट ने बीजेपी के, बीजेपी इज मेड ऑफ दीज पीपल, बिल्कुल ठीक है। जे किते थोड़ा बहुत साडे मन च गल आंदी है तो वो आंदी मुस्लिम भाईचारे बारे, तो पंजाब चो मसला है नहीं गा, पंजाब चो मुद्दा है नहीं गा, सो पंजाब बीजेपी जड़ी हैगी है ओदा जड़ा वोट बैंक है वो बीजेपी आप ही है, मतलब बीजेपी दा अपना ही सारा जो जो ओदा आपां कह सकदे ताना बाना हैगा पंजाब सारा उही है। तो पंजाब दे वी देखो कई बड़े लोग सियासी पंडित इस गल दी अंदाजा ला रहे ने कि जी अकालियां नाल टुट के बीजेपी पिछे रह जाएगी या कुछ किसानां दे नाल विरोध है बीजेपी दा तो इस करके पिछे, पर मैनू बीजेपी दी जिहड़ा सेंटर लीडरशिप है और जिहड़ी उहनां दी नेतृत्व और पोलिटिकल सेंस है और जिहड़ी उहनां दे तैयारी है जो उन्होंने अंदर एक जनून है इलेक्शन का उसते काफ़ी भरोसा, और मैं लगता है कि एक बड़ी वड्डी सरप्राइज पंजाब नूं मिलन वाली है, और पंजाब दे विच जे बीजेपी अपना एक ऐसा रोल प्ले करन दे कामयाब होंदी है तो निश्चित तौर पर पंजाब का फायदा उस च होएगा। एक लास्ट सवाल, जिवें केजरीवाल साहब आए सी आ जिहड़ा 300 यूनिट बिजली का ये जिहड़ा फ्री भी मुफ्त खोरी वाला हैगा ये किन्नी इदा दी वोट नूं कन्वर्ट करने चाहिए जां लोकी सियाणे नहीं हो गए इदा ऑफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जां तुसीं अपनी डायरेक्ट डिवेलपमेंट का एजेंडा क्यों नहीं दसते? हाँ ये बड़ा ही वधिया सवाल है जी, जिहड़ा भी मेरे हिसाब नाल
कोई भी बंदा जे थोड़ा बहुत सोचता वै हाँ जी ठीक है या इंटलैक्चुअल है ये बड़ी गल खांदी है मैनू तो आप बड़ी गल खांदी है कि भी ऐसी किसी नू एक टैक्स पेयर की मनी के उत्ते ये किवें कह सकते हैं कि भी तेनू असी मुफ्त दुध दे देंगे या तेनू मुफ्त घ्यो दे देंगे या तेनू मुफ्त मोबाइल फोन दे देंगे असी ये क्यों नहीं कहते कि भी तेरी डिवेलपमेंट का साडा ये रहेगा कि तू इन्ने पैसे कमा के अपना फोन लिया सकेगा तू अपनी बिजली दे पैसे पे कर सकेगा तेरे ते कर्जा नहीं होएगा तेरी इनकम इन्नी वधा देंगे कि असी उस तरीके दे नाल अपना डिवेलपमेंट मॉडल पेश करिए कि साडे बंदियां नू इस गल की लोड़ ही ना रवे कि भी वो सरकार तो मंग के अपना खर्चा तुसी मैनू एक गल दसो आपा मैं तुसी या कोई होर लोग जड़े संपन्न लोग ने सानू कोई सड़क ते खड़ा होया 100 रुपया दे जे असी लवांगे असी पसंद नहीं करते कि सानू कोई भीख दवे बिलकुल ते ये की समझते ने कि साड़ी जनता इन्नी लाचार है कि भी इन्हू असी कहांगे तेनू भीख देंगे ये मैनू लगता थोड़ा जनता नू भी अपने विरोध दे नाल मंगना ही ये चाहिए कि साड़ी कपैसिटी वधाओ या तुसी जो बिजली हैगी जो बिजली 1 रुपये यूनिट तुहानू कॉस्ट कर दी तुसी 9 रुपये वेच के मिल सकते हो तुसी लियाओ 1 रुपया असी देंगे तुहाडा रुपया और रुपया कमाण दी ताकत सानू दिओ ये थोड़ा सौखा तरीका सारिया पोलीटिकल पार्टियां ने फड़ लिया कि चलो भी 300 रुपया तू किवें कमाएगा सानू नहीं पता अभी 300 यूनिट बिजली तेनू मुफ्त दे देंगे ओहदे बारे गल नहीं कर रहे असी कि 300 रुपया ये बेसिकली ये समाज नू खराब करने वाली एफर्ट है मैं बहुता इस कुछ फ्री वाइज कुछ चीज़ा जरूरी ने कुछ चीज़ा जरूरी ने लेकिन उत्थे भी सवाल ये आंदा है कि उन्हें मुफ्त देना है या सबसिडाइज देना है या उन्हें खरीदन की कपैसिटी बनानी है बंदे दी बहुत अच्छा पॉइंट सो ये है मेरा कहने का मतलब कि ये फ्री बाइज नू थोड़ा जा चेंज करके देखना पड़ेगा लोग भी जे मंगल लापन गए कि मैनू नहीं चाहिए फ्री बाई मेरा तक मेरा मुंडे की नौकरी लगी होनी चाहिए है साढ़े घर के रोजगार होना चाहिए असी आपे खरीद लांगे एक लास्ट सवाल गुप्ता जी थोड़े नाल तुसी MSME PPP जिहड़ी कमेटी दे मैंबर बने हो ये पंजाब विचों कोई 3.5 लाख बच्चा हर साल वा इस वेले तो थोड़ा जा करोना करके स्पीड घटिया जाता हैगा कोई 35,000 करोड़ रुपया पंजाब का साइफन आउट हुंदा हैगा कनेडा ते दू बाहरले देशां नूं वो पैसा असी इधर नहीं किसी वधिया तरीके नाल करके इंपलॉयमेंट पोटेंशियल असी क्रिएट कर सकदे मैं ये भी बड़ा वधिया सवाल है भारत साहब बड़ी देर तो इस सवाल के उत्ते साढ़े क्लोज सर्कल ग्रुप च भी मेरे अपने इंटलैक्चुअल माइंड च भी इस गल च कोई बुराई नहीं कि बच्चे साढ़े बाहर चल जाने साढ़े बच्चे बाहर जाते ने बाहर देखो जिथों तक हैगा पैसे का सवाल जे जाता वै पैसा तो आंदा भी है क्योंकि जिन्हें बच्चे जाके साडे सैट आउंदे ओह कुछ पैसा भेजदे साडे NRIs भी पैसा बहुत भेजदे लेकिन सवाल फिर एक रह जाता है कि साडा देश सानू अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकता कि असी इत्थे रहीए ये विछोड़े तो है ही है असी बच्चों की चंगी लाइफ लई उन्हों बाहर भेजन तैयार हाँ लेकिन मैं दसो कि जिथे माँ बाप के बच्चे कट्ठे रह के जो सुख पा सकते ने क्या वह वट्सएप से गल करके उन्हें सुख पा सकते ने तो वह हालात न बदलन की जरूरत है साढ़े इतने भी देखो मैं जिथों गल शुरू की सी उत्थे भावें मैं गल तुहाडी खत्म कर सकता कि जनता की बहुत उम्मीदा है ही नहीं जे साडा बच्चा कनेडा भी चल जाता है तो उन्हें की मिलता उत्थे जाके उन्हें क्या बिना नौकरी किते पैसे मिलते काम करता ना उत्थे जाके वो काम करता और काम करन दे पूरे पैसे मिलते हैं एक गल तो यह होगी दूजी गल है जिहड़ा उहदा आला दुआला हैगा जिहड़ियां उहदियां सड़कां ने जिहड़ियां उहदियां हवा वै जिहड़ा उहदा खाना पीना वै वो कोई सिस्टम कंट्रोल कर रहा है कि भी ये साफ रहेगा बिल्कुल ठीक है उसकी मेडिकल एड कितों आनी है उसके लिए एक सिस्टम बनया हुआ है उनके तो डिपेंडेंट रहने की लोड़ नहीं है इंश्योरेंस है या सरकार है कुछ ना कुछ असी उन्हें दे रहे हैं ये 5-4 चीज़ा असी जो इत्थे प्रोवाइड कर दी जिहड़ियां कि साडे सिस्टम च हैगियां ने ये नहीं है कि साडे शहर च सिविल हस्पताल है नहीं या साडे शहर च वधिया डॉक्टर है नहीं
या प्राइवेट हॉस्पिटल है नहीं गए है ने, लेकिन किसी नू ये नहीं पता कि उसकी कॉस्ट की पैनी है, तो वो जिन्नी कॉस्ट पैनी है उन्हें देनी कितों है, उसके कोल उसका गुजारा है कि नहीं है, मेडिकल इंश्योरेंस उसकी इन्नी कवर कर दी कि नहीं कर दी, उन्हें प्लान ही नहीं किया। साढ़े सिस्टम च अवेयरनैस की बहुत कमी है, साढ़े असी अपने लोगों को अवेयर नहीं कर पा रहे कि भाई तुम अपनी 1,000, 2,000, 10,000 रुपये दे के इंश्योरेंस करा के रखो। मैं पर सब शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक प्रयत्न किया इस चक्कर च कि अवेयरनैस लिया के लोगों को सरकारी स्कीम किवें दित्तियां जान। हाँ जी हाँ जी। तो मैं एक पिंड च गया, पिंड भी शायद तुसी अडॉप्ट कीता ना? मैं पिंड अडॉप्ट करके मैं कुछ नहीं होर कीता, मैं जिन्नियां सरकारी स्कीम सीगियां उत्थे लियान दी कोशिश की। मैं उस मेरे पिंड च हर बंदे का आयुष्मान भारत कार्ड बनया होया, 5 लाख रुपए तक दी उन्हां दी इंश्योरेंस है। मैं अपने डॉक्टर दे दोस्तां मित्रां दे कैंप लवा के उत्थे या उत्थे बंदे भेज के मैं आयुष्मान भारत कार्ड बनाते। मैं देखिया कि 2 लाख रुपया 10 लाख रुपए तक मुद्रा स्कीम दे विच लोन दिता जांदा है। असी बैंक तो अडोप्ट कराता पिंड और बंदे आइडेंटीफाई किए कि भी इन्हों लोन दो, बच्चे नौकरी लग सकते, असी बच्चों असी मिलाता आपस च जिन्होंने नौकरी की लोड़ सी जिन्होंने बंदियां की लोड़ सी मिलाता लोग नौकरी कर लग पे। सरकार को स्कीम सी मनरेगा की असी रिक्वेस्ट की लोकल डीसी साहब न कि इस पिंड के बंद भी देखो, उन्होंने पिंड के बंद मनरेगा मिलना शुरू हो गया। उत्थे पिंड च पानी की कमी सी, सरकार को बजट सी, असी डायरैक्ट करता 28 लाख रुपए की उत्थे टेंकी लग। कहता भाव है कि स्कीम तो है ही ने, पैसा भी हैगा वै, थोड़ा जहा जनता भी जागरूक हो जाए, थोड़े जे पोलीटिकल एक्टिविस्ट साढ़े जोड़े बंदे ने, और ये लैवल कौंसलर तो शुरू होना चाहिए, MLA तो फिर उस तो बाद आता, फिर उस तो बाद सरकार आती है। जो हर बंदा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा तो पोलीटिकल सिस्टम साढ़ा पंजाब का जोड़ा सवाल आप लैके बैठे हैं कि जी 5 साल बाद इलैक्शन आ गए हूँ पोलीटिकल सीन की बनेगा, यदि लोड़ नहीं पेगी सानू, सीधा क्लीयर होएगा कि आ बंदे काम करने वाले ने इन्हों लैके आना या इन्हों रखना या इन्हों भजा देना। बहुत अच्छा। सो मेरे हिसाब न यही निष्कर्ष निकलता जिहड़ी तुसीं सवाल पूछा उहदे जवाब दा। चलो गुप्ता जी, तुसीं बहुत वधिया जानकारी दित्ती, मैनूं उम्मीद है साढ़े पंजाबी लोग जिहड़े बाहर देख रहे जां पंजाब भी देख रहे थोड़ी गल्लां नाल जरूर सहमत होणगे, कुछ सीध लैणगे। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। थैंक यू।